राजस्थान के अलवर में एक बच्ची सड़क किनारे लहूलुहान अवस्था में मिली। वो ना बोल सकती है ना सुन सकती है। बाद में बच्ची को अस्पताल ले जाया जाता है जहां बच्ची का इलाज अभी भी चल रहा है। शुरू में पुलिस ने गैंगरेप का मामला बताया, लेकिन फिर जुर्म और सियासत का ऐसा खेल शुरू हुआ कि अलवर पुलिस अब गैंगरेप पर ही सवाल उठाने लगी। इसको मैंने पहले शुरू में कहा कि इसको दुष्कर्म कहना शायद हमारी जल्दबाजी हो जाएगी, वो अनुसंधान और मेडिकल की रिपोर्ट के बाद ही प्रकट हो पाएगा दुष्कर्म। वुंड तो थोड़ा ज्यादा ही खराब तरह का था, वुंड को अच्छी तरह से रिपेयर कर दिया गया। 7-8 डॉक्टरों ने मिलकर उसको किया जिनमें प्लास्टिक सर्जन थे, गायनी के लोग थे, और 2.5 घंटे के करीब सर्जरी चली। हालांकि उसकी ब्लीडिंग प्राइवेट पार्ट्स से काफी हुई है, तो संभवतः सेक्सुअल असॉल्ट का मामला है। डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड ने ये बताया है कि वजाइना एंड हाइमन आर इंटैक्ट, एनस इज इंटैक्ट एंड इंजरीज आर नॉट सजेस्टिव ऑफ पेनिट्रेटिव असॉल्ट। सरकार से ये जान लेना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी पकड़ में आए ये फिर इनके जो ऐसी हरकत की है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ये रेप कैसे, पहले पुलिस जब हुआ था पुलिस वालों ने ये रेप केस बताया था, अब फिर बाद में अब 4 दिन हो गए, 4 दिन बाद कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंट कैसे, ऐसा मिनट में बदलना ये गलत है। कभी हाँ कभी ना। जिस बच्ची को इतनी बुरी तरह जख्मी किया गया कि उसकी जिंदगी पर ही खतरा मंडराने लगा, जिस बच्ची को दरिंदों ने इतनी बुरी तरह नोचा कि 8-8 डॉक्टरों की टीम को पूरे 2.5 घंटे तक जिसकी सर्जरी करनी पड़ी, जिस बच्ची के साथ इतनी ज्यादती हुई कि उसके लिए अब बिस्तर पर करवट बदलना भी मुश्किल हो रहा है, राजस्थान का शासन प्रशासन अब भी उस बच्ची के साथ हुई ज्यादती की असलियत पर कभी हाँ और कभी ना करने में लगा है। मामला अलवर का है जहां एक मूक बधिर बच्ची के साथ कुछ दरिंदों ने ऐसी ज्यादती की कि निर्भया कांड की याद ताजा हो गई। लोग गुनहगारों को पकड़कर बच्ची को फौरन इंसाफ दिलाने की मांग करने लगे। लेकिन यहां गुनहगारों की बात छोड़िए, शासन प्रशासन का सारा जोर ही ये साबित करने में लग गया है कि बच्ची के साथ रेप या गैंगरेप जैसी कोई वारदात हुई ही नहीं है। तो फिर दरिंदों का शिकार बनी बच्ची को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा ये समझना मुश्किल नहीं है। यही वजह है कि विपक्ष को अब ये कहने का मौका मिल गया है कि सरकार गुनहगारों की धर पकड़कर उन्हें सजा दिलाने की जगह बहस का मुद्दा ही बदल देना चाहती है, ताकि न कोई गैंगरेप की बात करे और न ही इंसाफ की मांग पर कोई हंगामा ही हो। तभी तो जो प्रशासन पहले ही दिन से इस भयावह मामले को रेप मानकर चल रहा था, अब वही प्रशासन इसे रेप मानने से ही हिचकिचाने लगा है। तकनीकी वजहों का हवाला देकर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि मामला वैसा नहीं है जैसा कहा जा रहा है। आप भी एक बार अलवर की एसपी तेजस्विनी गौतम के वो 2 बयान सुनिए जिनमें वो रेप होने और न होने के बीच का फर्क समझाने की कोशिश कर रही है। आपको भी समझ में आ जाएगा कि आखिर अलवर की पुलिस कहना क्या चाहती है। हालांकि उसकी ब्लीडिंग प्राइवेट पार्ट्स में से काफी हुई है, तो संभवतः सेक्सुअल असॉल्ट का मामला है और अभी हम यहाँ मौके पे हैं। डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड ने ये बताया है कि वजाइना एंड हाइमन आर इंटैक्ट, एनस इज इंटैक्ट एंड इंजरीज आर नॉट सजेस्टिव ऑफ पेनिट्रेटिव असॉल्ट। जाहिर है मामला वैसा नहीं है जैसा दिखाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सच्चाई ये है कि अव्वल तो भरे शहर में बच्ची को दरिंदों ने नोचा है, और दूसरा ये कि इस वारदात को 4 दिनों का वक्त गुजरने के बावजूद पुलिस अंधेरे में ही हाथ पांव मार रही है। पुलिस प्रशासन के इस काहिली भरे रवैये का अभी और पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन आइए पहले जल्दी से एक बार उस पूरे सीक्वेंस को समझ लेते हैं जब मंगलवार की रात एक मूक बधिर बच्ची शहर के बीचों बीच दरिंदों का शिकार बनी और बेटियों की हिफाजत का दम भरने वाला शासन प्रशासन कान में तेल डालकर सोता रहा।
इस मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस ने अब तक 300 सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग की है। इसमें बच्ची के लहूलुहान मिलने से 15 मिनट पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें बच्ची 11 जनवरी की शाम 7:30 बजे पुलिया से गुजरती दिख रही है, जबकि खबरों के मुताबिक वो 7:45 मिनट पर इसी जगह से महज 200 मीटर की दूरी पर लहूलुहान हालत में मिली थी। लेकिन अब इतने दिन बाद भी पुलिस इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाई है कि महज 15 मिनट और 200 मीटर के फासले पर आखिर बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ कि जीते जी जिंदगी उसके सामने सबसे भयानक सूरत में आ गई। सूत्रों की माने तो बच्ची तिजारा फाटक के अलावा ट्रांसपोर्ट नगर के पास भी सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। आशंका इस बात की है कि उसके साथ ज्यादती कहीं और हुई हो और उसे यहाँ मौके पर फेंक कर दरिंदे भाग गए हों। लेकिन इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कोई भी दूसरा एविडेंस फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। एक बार के लिए अगर ये मान भी लिया जाए कि बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ बल्कि वो किसी सड़क हादसे का शिकार हुई, तो भी उसके प्राइवेट पार्ट में जिस तरह के जख्म मिले हैं वो इस बात की पुष्टि नहीं करते। ऐसे में बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले दरिंदों की तादाद, वारदात की जगह, उसे अगवा करने वाली गाड़ी, तीनों ही बिंदुओं पर पुलिस बिल्कुल अंधेरे में है। लेकिन पूरे मामले का सबसे अफसोसनाक पहलू यही है कि मामले की तफ्तीश कर जल्द से जल्द गुनहगारों तक पहुंचने की जगह प्रशासन मामले को रेप या गैंगरेप मानने से ही इनकार करने में लगा। एसपी की तरह डीसी साहब भी अपनी बातों से यही बताने में जुटे हैं कि मामला रेप का नहीं है। आपने एसपी को सुना, अब कलेक्टर को भी सुनिए। इसको दुष्कर्म कहना शायद हमारी जल्दबाजी हो जाएगी, वो अनुसंधान और मेडिकल की रिपोर्ट के बाद ही प्रकट हो पाएगा कि दुष्कर्म हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि कोई गैंगरेप, ऐसा कोई एविडेंस अभी तक हमारे पास अवेलेबल है। आपको लग रहा होगा कि डिले हो रहा है, क्योंकि पुलिस के पास में अभी तक कोई ऐसा क्लू नहीं मिला है जिससे ये लग रहा हो किसी दरिंदे ने कोई दरिंदगी की हो। वैसे डीसी साहब यही नहीं रुके, जब पीड़ित लड़की के लिए इंसाफ की मांग करती हुई दूसरी लड़कियां डिप्टी कलेक्टर के दफ्तर पहुंची, तो जनाब उन्हें समझाने बुझाने और उनकी तकलीफ को समझने की जगह उल्टा उन्हें ही धमकाने लगे। उन्हें राजनीति करने की जगह पढ़ाई पर ध्यान देने की नसीहत देने लगे। यहां तक कि लड़कियों से उनके पिता का फोन नंबर मांगकर उन्हें चुप कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन इत्तेफाक से ये सब कुछ कैमरे में कैद होता रहा। बात करूँ, आपकी बच्ची पढ़ने आई है या राजनीति कर रही है? क्या नाम है आपके पिताजी का? भरोसी जी का नंबर दो, हमारे एडीएम। अरे आप मेरी बात सुनिए, इन बच्चों को खाने में मत दीजिए। एक पापा जी का नंबर दो, पापा जी से बात कर इसके। बहरहाल प्रशासन वक्त रहते तो एक बच्ची की हिफाजत नहीं कर पाया, शहर के बीचों बीच उसके साथ ज्यादती हो गई। मगर अब अगर सियासत से पीछे हटकर प्रशासन का सारा जोर गुनहगारों को दबोचने और उन्हें सजा दिलाने में हो, तो शायद वक्त और इंसाफ के लिए यही सबसे बेहतर होगा। अलवर से संतोष शर्मा और देवंकुर वधावन के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।